हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एच के अकेडमी। और आज हम बात करने जा रहे हैं डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो पहला जो हर किसी ज्योग्राफी में जो चैप्टर होता है वो नेचर एंड स्कोप का ही होता है, तो बच्चों को पता नहीं होता है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है नेचर एंड स्कोप में। तो आज हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले समझा दूँ, यहाँ पे जो हमारी मेन टर्म्स है वो क्या क्या है, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप, मतलब परिभाषाएं, इसके बाद प्रकृति, और इसके बाद उसका विषय क्षेत्र क्या क्या है, यानी कहाँ कहाँ हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी को यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि मैं आगे बताऊंगी कि नेचर में क्या लिखना होता है, डेफिनेशंस में क्या लिखना होता है, स्कोप्स में क्या लिखना होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बारे में ही। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन सिग्निफाइज द सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पर क्या है, जो आपका विषय क्षेत्र होता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी वो बेसिकली किसके कंसर्न में होता है, आपका पॉपुलेशन के कंसर्न में होता है। अब यहाँ पर क्या है, ज्योग्राफी रेफर्स टू द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी ये ज्योग्राफी बेसिकली क्या है, आपका एक इन्वेस्टिगेशन का काम करता है किसी भी एक पर्टिकुलर फिनोमेना को लेकर। एंड पॉपुलेशन ज्योग्राफी इम्प्लाइज द इन्वेस्टिगेशन इन टू ह्यूमन कवरिंग ऑफ द अर्थ एंड इट्स वेरियस फैक्ट्स विद रेफरेंस टू फिजिकल एंड कल्चरल एनवायरमेंट। पॉपुलेशन ज्योग्राफी बेसिकली क्या काम करता है, आपका जो ह्यूमन है उसका अर्थ पर या फिर जो जितने भी फिजिकल और कल्चरल एनवायरमेंट है उसमें ह्यूमन का इंटरेक्शन के बारे में बात करता है। इसमें अब हम देखो नेचर में आपको क्या लिखना होता है, वर्ड ओरिजिनेट कैसे हुआ है, वो वर्ड प्रपाउंड किसने किया है, उसके फादर कौन रहे हैं उस ज्योग्राफी के पर्टिकुलरली, और उसका नेचर में किस तरीके का उसका अप्रोच है, आपको बेसिकली ये लिखना होता है नेचर में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो यहाँ पर आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक पॉपुलेशन एंड सेकेंड इज ज्योग्राफी। अब इनको हम अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन जो है उसका क्या अर्थ होता है, द नंबर ऑफ पीपल, यानी लोगों के जो समूह है या लोगों की जो संख्या है उसको क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन कहा जाता है। और ये जो वर्ड है इसकी उत्पत्ति किस वर्ड से हुई है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के पॉपुलस वर्ड से हुई है। आप लोगों को ध्यान रखना है ये लैटिन भाषा से डिराइव्ड हुआ है। लेकिन ज्योग्राफी जो है वो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, ज्योग्राफी का अर्थ होता है एरिया या क्षेत्र, और ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिया। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफिया का मतलब उसका डिस्क्रिप्शन, यानी पृथ्वी का वर्णन करना, और पॉपुलेशन का मतलब है पीपल या फिर लोग, यानी लोगों का क्या है, आपका लोकेशन बेस्ड स्टडी करना पॉपुलेशन की, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन ज्योग्राफी। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ये यूजीसी नेट में भी काफी बार पूछा जाता है, जो जीएस का पेपर है उसमें भी काफी बार पूछा जाता है ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी के फादर कौन है। तो जी टी त्रिवार्था हुए हैं, ये इनका जो टाइम पीरियड था 1953, इनको फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ साथ इन्होंने जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है उसको एक पर्टिकुलर जो या फिर ये कह सकते एक स्पेसिफिक जो विषय क्षेत्र है उसके अंतर्गत लाने की कोशिश की है, या फिर ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी को एक अलग फील्ड में लाने का काम इन्होंने किया है। इसके साथ साथ त्रिवार्था इज ऑर्गेनाइज एज द ओरिजिनल कॉल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन ज्योग्राफी सब फील्ड विद इन द डिसिप्लिन। ही ऑफर्ड अ टेंटेटिव स्कीम्स ऑफ द कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटीरियल्स इन पॉपुलेशन ज्योग्राफी, यानी इसके साथ साथ ये भी है कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी का जो कंटेंट है या फिर जो उसका विषय क्षेत्र है उसको बनाने और उसको एक सिस्टमेटिक वे से लाने का जो काम किया है वो किसने किया है, आपका जीटी त्रिवार्था ने किया है। अब यहां पे आता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी एज अ सब ब्रांच।
सब ब्रांच क्यों मैंने यहाँ बोला या उपशाखा क्यों बोला है अब देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि पृथ्वी पर दो तरीके के एलिमेंट्स हैं या फिर दो तरीके के तत्व विद्यमान हैं। एक होता है भौतिक तत्व, जिसमें क्या है ह्यूमन का कोई भी इंटरेक्शन नेचर नेचर से नहीं होता है, तो उसको क्या कहा जाता है फिजिकल एलिमेंट, जिसमें आपका क्या आ जाता है स्थल मंडल आ जाता है, जल मंडल आ जाता है, जिसमें आपका वायुमंडल आ जाता है। और दूसरी जो ब्रांच है या दूसरा जो एलिमेंट है वो क्या है कल्चरल एलिमेंट। कल्चरल एलिमेंट में क्या है जिसमें ह्यूमन सेंटर होता है हर किसी चीज का, यानी कोई भी को जो डेवलपमेंट है उसमें मेन रोल किसका होता है ह्यूमन का होता है। कोई भी जो वहां पर फिनोमेना है वो किसके द्वारा प्रभावित होता है, ह्यूमन के द्वारा प्रभावित होता है। दो एलिमेंट है फिजिकल एलिमेंट्स का हम अध्ययन फिजिकल ज्योग्राफी में करते हैं, जैसे ओशनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी जियोमोरफोलॉजी। इनका मैं ज्यादा डीपली एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में इनका अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके समझाया हुआ है कि ओशनोग्राफी में क्या अध्ययन किया जाता है, क्लाइमेटोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है, जियोमोरफोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से आप देख सकते हैं। इसके बाद जो सेकेंड ब्रांच है ज्योग्राफी की वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में कल्चरल एलिमेंट्स की स्टडी होती है, यानी आपके जो क्या है सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अब ह्यूमन ज्योग्राफी को भी सब ब्रांचेस में बांटा गया है, तो एक सोशल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कमर्शियल ज्योग्राफी, ये सारे के सारे एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, ये सारे के सारे जो फील्ड्स है ह्यूमन ज्योग्राफी के। तो क्या है पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो उपशाखा है वो किसकी है ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो आप लोगों को कभी भी क्वेश्चन लिखते हैं आप तो उसमें जब भी शाखाओं वाला लिखते हैं तो आप इस तरीके से काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पृथ्वी पर दो तरीके के तत्व विद्यमान हैं, एक भौतिक तत्व एक मानवीय तत्व। तो भौतिक तत्वों का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, मानवीय तत्वों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अब अध्ययन की सुविधा के लिए क्या किया गया है फिजिकल ज्योग्राफी को सब ब्रांचेस में बांटा गया है और ह्यूमन ज्योग्राफी को भी सब ब्रांचेस में बांटा गया है। दो तीन सब ब्रांचेस के आप नाम लिख सकते हैं एंड आपका जो मेन ब्रांच या जिस भी पेपर का आप काम कर रहे हैं, जैसे पॉपुलेशन हो गया या फिर सोशल ज्योग्राफी का हो गया, कल्चरल ज्योग्राफी हो गया, उसको आप हाईलाइट कर दें कि जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है वो ब्रांच है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी की। नेक्स्ट चलते हैं इसके नेचर के बारे में, किस तरीके की प्रकृति है, क्योंकि हर किसी का अपना नेचर होता है, ह्यूमन का अपना नेचर है। किसी का नेचर काफी हैप्पीनेस वाला होता है, कोई सारे टाइम ही दुखी रहता है। किसी का नेचर क्या है हसमुख होता है या दूसरों के साथ बातचीत वाला नेचर होता है, जल्दी से घुल मिल जाता है, किसी को बहुत टाइम लगता है। इसी तरीके से आपका फिजिकल ज्योग्राफी या हो गया या फिर कल्चरल ज्योग्राफी हो गया, इनका अपना एक नेचर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो है वो कैसी है, डायनामिक है। डायनामिक मैंने क्यों बोला क्योंकि जनसंख्या हमेशा परिवर्तनशील रहती है, कभी जनसंख्या बढ़ती है, कहीं पर जनसंख्या घट रही है, कहीं पर मृत्यु दर हो ज्यादा है, कहीं पर जन्म दर ज्यादा है, यानी फर्टिलिटी मोर्टिलिटी रेट में डिफरेंस आता रहता है, सेक्स रेशियो में डिफरेंस आता रहता है। तो यहाँ का जो पॉपुलेशन जो है वो बेसिकली कैसा नेचर है इसका, डायनामिक नेचर है, गतिमान है। इसके बाद क्या है मल्टी डिसिप्लिनरी है, इसका नेचर मल्टी डिसिप्लिनरी या फिर बहुआयामी क्यों कहा गया है, क्यों, क्योंकि इसमें हम सिर्फ पॉपुलेशन की ही बात नहीं करते हैं, उसके सोशल एस्पेक्ट की बात करते हैं, उसके कल्चरल एस्पेक्ट की बात करते हैं, उसके साथ साथ हम नेचर की बात करते हैं यानी फिजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं ज्योग्राफी के। तो ये क्या है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। इसके बाद इसमें क्या है काफी वेरिएबल्स मिलते हैं यानी चर काफी पाए जाते हैं, तो ये इसका नेचर था। डेफिनेशंस में आपको बेसिकली क्या लिखना होता है, जो मेन राइटर्स या मेन थिंकर्स होते हैं उन्होंने पॉपुलेशन ज्योग्राफी को कैसे डिफाइन किया है। इसमें कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि आपको कुछ जो मेन राइटर्स हैं उन्हीं का लिखे, आपको जो सुटेबल लगे जो टेशन अच्छी लगती है वही आप उसमें लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है स्कोप ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। अब स्कोप में बेसिकली हम क्या देखते हैं, यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वेयर इट इज अप्लाइड, हम इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं।
हाउ इट्स नॉलेज इज अप्लाइड, इसकी नॉलेज जो है इसको हम कैसे अप्लाई करें, इसके साथ साथ इसकी द अपॉर्चुनिटीज, इसकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है इन फ्यूचर। इसमें बेसिकली क्या है कि जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर होता है या फिर आप देखते हैं जो आपका सिलेबस होता है बेसिकली, वो पूरा का पूरा सिलेबस क्या है आपका स्कोप होता है इन जनरल टर्म, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता है कि स्कोप में लिखना क्या है, विषय क्षेत्र में लिखना क्या है। सबसे पहला क्या है आपका स्कोप में आ जाता है, जो आपका सब्जेक्ट मैटर या आपका हर क्लास का जो सिलेबस है वो स्कोप के अंदर आता है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं रिलेशनशिप टू दी अदर साइंसेस, जिसमें आपका आपका जो फिजिकल साइंसेस हो सकती हैं या फिर आपके अदर साइंसेस में जैसे सोशल साइंस वगैरह, जैसे पॉलिटिकल में क्या रिलेशन है, जैसे आपका हिस्टोरिकल से क्या रिलेशन है, जैसे सोशोलॉजी से क्या रिलेशनशिप है। तो सोशल रिलेशनशिप टू अदर साइंसेस, इसके साथ साथ आपका सिलेबस या फिर आपका स्कोप। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू जी टी त्रिवार्था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि त्रिवार्था को फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था पॉपुलेशन ज्योग्राफी का जो स्कोप है या उसका जो अध्ययन सामग्री है उसकी जो उसको सिस्टमेटिक वे से अरेंज कर दिया था। तो इसमें इन्होंने तीन तरीके का स्कोप बताया कि हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी में तीन चीजों पर फोकस करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन इन पास्ट, यानी भूतकाल में जो आपकी जनसंख्या है उसका क्या भूगोल रहा है। इसके बाद क्या है ह्यूमन नंबर्स, जिसमें हम देखते हैं जैसे आपने देखा होगा आपके वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी है, कि कौन सी कंट्री में ज्यादा है कौन सी में कम है, तो हम सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं। डेंसिटी हमने देख लिया, सेक्स रेशियो हमने देख लिया, सिर्फ हम पॉपुलेशन नंबर्स काउंट करते हैं उसमें। तो फर्टिलिटी हो गया, मोर्टिलिटी हो गया, माइग्रेशन हो गया, ये सारा क्या है ह्यूमन नंबर्स पे बात करते हैं इसमें। थर्ड क्या है रीजनल पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटीज ऑफ पॉपुलेशन, इसमें हम जो आपकी पॉपुलेशन की क्वालिटीज हैं जो या जो आपकी वर्ल्ड में फैली हुई जो जनसंख्या है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसका एक प्रादेशिक प्रतिरूप का अध्ययन करते। तो ये जीटी त्रिवार्था ने तीन इसके स्कोप बताए हैं। इसके बाद जॉन क्लार्क हुए हैं, इन्होंने भी जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है उसको तीन मेजर भागों में बांटा है। सबसे पहले एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पॉपुलेशन, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि जितनी आपकी पॉपुलेशन है उसको एक्चुअल फॉर्म में लेना। इसके बाद है क्वालिटीज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की क्या विशेषता है, जनसंख्या की क्या विशेषताएं हैं। इसके बाद पॉपुलेशन डायनामिक्स, डायनामिक्स में क्या है आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं जो चेंजमेंट वाले हैं तो वो सारे आते हैं, जैसे फर्टिलिटी हो गया, मोर्टिलिटी हो गया, माइग्रेशन हो गया। तो ये आपका क्लार्क महोदय ने इसका क्लासिफिकेशन किया है। अब बताया है क्वालिटीज ऑफ पॉपुलेशन, सबसे पहले इसकी कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और इकोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो क्वालिटीज ऑफ पॉपुलेशन में अगर हम भौतिक विशेषताओं की अगर हम बात करें तो हर किसी जो पॉपुलेशन है हर क्षेत्र में अलग अलग पाई जाती है। जैसे अगर हम माउंटेनियस रीजन की बात करें, हम प्लेन रीजन की बात करें, हम प्लेटो रीजन की बात करें, तो जहाँ पर सुटेबल कंडीशन होते हैं वहाँ पर जनसंख्या अधिक मिलेगी और जहाँ पर हार्श कंडीशन होते हैं वहाँ पर जनसंख्या कम मिलेगी। इसका एक एग्जाम्पल इंडिया में ही आप ले सकते हो कि जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र की जो बेल्ट है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जिसे बोलते हैं, उस बेल्ट में आपको डेंस पॉपुलेशन मिलते हैं, जबकि हिमालयन रीजन में आप जाएंगे तो वहां पर आपको पॉपुलेशन सबसे कम मिलेगी इंडिया में। और जब आप डेक्कन प्लेट्यू पर आएंगे तो वहां पर पॉपुलेशन आपको मॉडरेट मिलेगी। तो फिजिकल जो क्वालिटीज होती हैं पॉपुलेशन की वो चेंज होती रहती है। इसके साथ साथ इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल में आपके जो पॉपुलेशन है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पर देखा जाता है, जैसे प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, सेकेंडरी में इन्वॉल्व है या टर्सरी में इन्वॉल्व है। जैसे प्राइमरी एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व है तो कहा जाता है कि वो जो आपके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इन्वॉल्व है उसमें, सेकेंडरी और टर्सरी में है तो वो डेवलपिंग हो सकती है, और जहाँ पर हाईली टर्सरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज मिलती हैं, चतुर्थक और पंचम एक्टिविटीज मिलती हैं, वो क्या है आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इसके साथ साथ सोशल सोशल क्वालिटीज क्या क्या होती है कि कहाँ ज़्यादा रिलीजियस फैक्टर है, क्या वहाँ का कल्चरल फैक्टर कैसा है, वहाँ के जो रिचुअल्स है वो कैसे हैं, वहाँ के लैंग्वेज कैसी है, ये सारे के सारे क्या है आपका सोशल फैक्टर्स में आता है या क्वालिटीज में आता है।
अब आता है कंक्लूजन ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी स्कोप कि हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी को एक्यूरेट कैसे देखें, कि क्या क्या उसमें हो सकता है। सबसे पहले एब्सोल्यूट नंबर, यानी जो है जितना है उतना ही लिखना है, इससे आप ना ज़्यादा लिख सकते हैं ना कम लिख सकते हैं। जितनी पॉपुलेशन आप उतनी ही काउंट करेंगे। वर्ल्ड पैटर्न पर हम देख सकते हैं, या फिर आपका कंट्री बेस देख सकते हैं, या फिर एक ग्लोब बेस भी हम देख सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम डेंसिटी की बात करते हैं। इसके बाद आता है डायनामिक्स। डायनामिक्स में आपका क्या है, जो चेंजमेंट होने वाले वेरिएबल्स, यानी फर्टिलिटी हो गया, मोर्टिलिटी हो गया, माइग्रेशन हो गया, तो इन सब का हम अध्ययन करते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंतर्गत। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में हम तीन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इकोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके साथ साथ पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेस और पॉपुलेशन प्लानिंग एंड पॉपुलेशन पॉलिसीज। जैसे आपने इंडिया में देखा होगा, या फिर हम बात करें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की, तो डेवलपिंग कंट्रीज क्या है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज बनाती है। वहीं डेवलप्ड कंट्रीज क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए पॉलिसीज बनाती है। तो हर किसी कंट्री की जो आवश्यकता है उसके अनुसार पॉलिसीज होती है, तो हम उनका भी अध्ययन करते हैं। और पॉपुलेशन प्लानिंग, जैसे आप लोगों ने देखा हो कि जैसे हमारे इंडिया में पॉपुलेशन प्लानिंग में आप देखते हो कि परिवार नियोजन की प्रक्रिया चल रही है, तो वो क्या है, परिवार नियोजन क्या है, एक पॉपुलेशन प्लानिंग का हिस्सा है। और काफ़ी सारे जो आपके जो पॉपुलेशन से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, तो वो पॉपुलेशन प्लानिंग का हिस्सा होता है। इसके बाद पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज में हम देखते हैं कि कहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो हाई है, और वहाँ पर क्या है, रिसोर्सेज कम है। यानी जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पर रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन ज़्यादा होगा, और जहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी वहाँ पर रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन कम होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि जहाँ पर पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पर रिसोर्सेज का काफ़ी अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सकता है, जबकि जहाँ पर पॉपुलेशन अधिक है वहाँ पर रिसोर्सेज का इतना अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ये था आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी के कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे एच के अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।